से हमारी बॉडी में केमिकल क्या होता है। केमिकल का किसी ने ऐसा मतलब तो नहीं सोच रखा है कि नहीं कुछ कुछ एसिड या बेस या यही चीजें केमिकल्स होती हैं। नहीं बेटा, आप हर चीज में केमिकल, अरे हर चीज का कोई केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम पानी पी रहे हैं उसका भी केमिकल फॉर्मूला है, खा रहे हैं उसका भी केमिकल फॉर्मूला है, इवन जिस बेंच पे आप बैठे हो उसका भी केमिकल, जो कपड़े आपने पहने उसका भी केमिकल। ठीक है, आखिर सब तो एटम मॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं। केमिकल बोलने का मतलब ये मत समझना कि बहुत खराब चीज है या कुछ बहुत ही अलग चीज है ना। केमिकल बहुत ही कॉमन, मैं किसी को भी केमिकल बोल सकता हूँ। ठीक है, ओके, है ना। जनरली इन द बेसिक टर्म्स जो कि लोग आपस में समझते हैं, केमिकल्स जनरली सॉलिड को नहीं बोला जाता है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बोलना गलत है। जनरली जब लोग बोलते हैं तो उनका अमेरी केमिकल बोलता होगा तो आपके दिमाग में पिक्चर कुछ लिक्विड या गैस की बनती होगी, है ना। ठीक है क्या? तो वो मतलब ऐसा नहीं कि सॉलिड केमिकल नहीं होते, केमिकल होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली लोग सोचते नहीं उसके बारे में। ओके, हमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं। मैंने तो बस ये पॉइंट इसलिए बता दिया क्योंकि वैसे भी हमारी बॉडी में सॉलिड चीजें बहुत, मतलब सेल की बात करें, बॉडी मतलब पूरी बॉडी में तो है ही सॉलिड चीजें, और सेल की एक बात करें, हम सेलुलर लेवल पे बात कर रहे हैं, सेल में बात करें तो जनरली सब फ्लूइड्स हैं, लिक्विड हैं, यही सब चीजें। तो केमिकल्स, हर चीज केमिकल होगी क्या? अरे हाँ, सेल बना किससे? कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, मिनरल्स, कोलेस्टेरॉल, वाटर, ये सब क्या है? केमिकल्स। ठीक है, ठीक है, हमें दो, बस दो केमिकल्स का ध्यान रखना है, एक तो एंजाइम्स और हार्मोन्स। एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों ही क्या है बेटा? एंजाइम्स क्या, कौन से केमिकल्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं या और भी, ऐसा नहीं कि सभी एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपने अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, रिएक्शन पढ़े हैं ना, ए प्लस बी, लेट्स मेक रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, ए प्लस बी ए। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, आपको ही पता है H2O मतलब वाटर और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन क्या हमेशा वाटर ऑक्सीजन मिलकर पानी बना देते हैं क्या? सॉरी, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना देते हैं क्या? उसके लिए स्पेसिफिक क्या होना चाहिए? कंडीशंस होना चाहिए, है ना? स्पेसिफिक, कई बार ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक और दूसरा कोई केमिकल होना चाहिए, उनके प्रेजेंस में ही वो रिएक्शन हो पाती है, या ऐसे रिएक्शन हो भी जाएगी तो इतना ज्यादा पानी नहीं बनेगा, उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है क्या? तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपको पता है क्या? कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। बस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट पता है। कैटलिस्ट मतलब बेटा जैसे कि, अब मुझे केमिस्ट्री मैंने छोड़, बहुत टाइम हो गया, मुझे याद नहीं आ रही है। ये कोई दो एलिमेंट्स हैं, है ना, ये एलिमेंट वो मतलब रिएक्ट करके एक नया एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट खुद इतनी ज्यादा मतलब नंबर्स में रिएक्ट नहीं करेंगे। मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल इसके लिए, 100 मॉलिक्यूल इसके लिए, तो नॉर्मल कंडीशन में ये 100 के 100 पूरे रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है कि ये 10 ही रिएक्ट करे या 20 या 30 ही रिएक्ट करे। हमें जब रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी होती है, जब मान लो मुझे ये वाला मॉलिक्यूल चाहिए तो मुझे तो इन दोनों को रिएक्ट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा एलिमेंट डालूंगा जो कि इन दोनों की रिएक्टिविटी बढ़ा दे और फाइनली ओवरऑल इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। लेट्स मान लो, लेट्स ऐसा एलिमेंट आयरन है, आयरन डालने से ये दोनों रिएक्ट करके ये बना देते हैं। ठीक है, आयरन का कुछ नहीं है उसमें, आयरन बस रिएक्शन करवा रहा है, पास करवा रहा है, वो खुद रिएक्ट नहीं कर रहा। ठीक है क्या? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? हमारे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है।
एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट मतलब, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग बींग, लिविंग बींग में जो भी रिएक्शन होते हैं उनके कैटेलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम। तो एंजाइम भी क्या है, कैटेलिस्ट ही है लेकिन बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट, मतलब लिविंग बींग में जो रिएक्शन होते हैं उनको, उनके कैटेलिस्ट को हम क्या बोलेंगे, एंजाइम। हाँ, बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट तो है एंजाइम, ठीक है क्या? अरे हाँ। तो हमने अभी एक ही टाइप का एंजाइम पढ़ा है जो कि है डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका मतलब ये नहीं कि सभी एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, नहीं, ये तो एक कैटलिस्ट है। अरे कैटलिस्ट क्या एक ही टाइप के रिएक्शन करवाएंगे क्या? अरे बहुत सारे टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, बहुत सारे टाइप के रिएक्शन करवाते हैं, वैसे ही बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें से एक रिएक्शन क्या था, डाइजेशन, ऐसे ही दूसरे भी रिएक्शन होते हैं, है ना, उनमें उनको जो उनको उनका स्पीड जो बढ़ाएगा उसे भी हम एंजाइम कहेंगे, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम कहेंगे क्या, जो भी काम होगा, जो भी रिएक्शन हो रहा होगा उसका एंजाइम बोलेंगे, ठीक है क्या? तो एंजाइम्स आर व्हाट, बायोलॉजिकल एंजाइम्स आर व्हाट, और कैटलिस्ट इज व्हाट, कैटलिस्ट इज अ हेल्प्स टू पास इन द रिएक्शन, बाकी आप आपके रेस्ट्रूम में पढ़ोगे। अब देखते हैं हॉर्मोन्स क्या है, तो हॉर्मोन्स भी क्या है, ये दोनों केमिकल, हॉर्मोन्स भी क्या है, केमिकल, लेकिन हॉर्मोन का कोई एक कोई खास एक केमिकल रिएक्शन नहीं फास्ट करवाता है, कैटेलिस्ट एंजाइम तो क्या कोई एक खास केमिकल रिएक्शन करवा रहा था, हार्मोन कोई एक खास केमिकल रिएक्शन नहीं करवाता है, हार्मोन बहुत सारे काम करवाता है, ऐसे एक एक फंक्शन करवाने के लिए जितनी भी चीजें जरूरत है सब हार्मोन करवाता है। एग्जांपल जैसे कि वही वाला एग्जांपल जो हमारा बेसिक है कि कुत्ता पीछे पड़ गया तो डर लगेगा, भागना है या लड़ना है, इसके लिए क्या जरूरत है, हार्ट रेट बढ़ाने की जरूरत है, रेस्पिरेटरी रेट तो ब्लड पंपिंग की जरूरत है, तो आईज डायलेट, ये सब जरूरत है ना, तो ये सभी काम फाइनली किसी एक पर्पस के लिए हो रहे हैं, वो पर्पस सॉल्व करने, वो पर्पस कौन सॉल्व करवाएगा, तो हार्मोन कोई एक खास काम नहीं करवाते, हाँ लेकिन एक खास मकसद के लिए, एक पर्टिकुलर एम के लिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन करवाने के लिए जितने भी रिएक्शंस होंगे, जितनी भी ऑर्गन के फंक्शनिंग होंगे वो सब करवाएंगे, ठीक है क्या? तो हार्मोन कहाँ पे एक्ट करेंगे, नहीं ब्लड में तो जाते हैं, फाइनली जाएंगे कहाँ, अरे हार्ट रेट बढ़ाना है तो हार्मोन जाएगा कहाँ, हार्ट के पास, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने तो जाएगा कहाँ, लंग्स के पास, मतलब हार्मोन काम क्या कर रहे हैं और ऑर्गन्स का क्या कर दे रहे हैं, फंक्शन फास्ट भी कर सकते हैं या भी कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन जो कि सिंपैथेटिक है वो तो हार्ट रेट फास्ट कर देता है, लेकिन एसिटाइल सिस्टीन जो कि पैरासिंपैथेटिक है, पैरासिंपैथेटिक हम लोग हार्ट रेट नॉर्मल है, हार्ट रेट स्लो कर दे, तो हॉर्मोन्स ऑर्गन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है क्या? कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना, आप हार्मोन क्या है और ये क्या है, ये सब इसलिए बता देता हूँ कि आपको ऐसे ये ऐसा नहीं लगे कि हम क्या ही पढ़ रहे हैं, मतलब हार्मोन्स आर स्पेशल केमिकल, ये सेम हार्मोन्स आर स्पेशल केमिकल विच मेंटेन रेगुलेट अप रेगुलेट और डाउन रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ, ठीक है, आगे और भी ऐड कर सकते हो, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टू फॉर स्पेसिफिक एम, है ना, एम जैसे हमारा एम क्या था, बचना था उस डॉग से, तो वो हमारा एम था, उसके लिए जो हार्मोन्स ने ऑर्गन्स की फंक्शनिंग अप रेगुलेट की या डाउन रेगुलेट की वही काम था हार्मोन्स के, ठीक है, ओके चलो एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन में हम क्या बात कर रहे हैं, हार्मोन्स की। अब इसमें यहाँ पे एक और डिफरेंस जो कि मैंने पहले ही बताया था, एंजाइम्स हार्मोन्स कहाँ पे घूमते रहते हैं बेटा, ब्लड में आपको मिल जाएंगे, एंजाइम्स आपको ब्लड में नहीं, ऐसे तो मिल जाते हैं, स्पेशली हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो एंजाइम्स जनरली ब्लड में नहीं मिलते, एंजाइम्स कहाँ रहते हैं, एंजाइम्स जहाँ से सिक्रीट होते हैं उनके खुद के डक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा बनता है, सलाइवा बन के जाता कहाँ है, ब्लड में थोड़ी आ जाता है, दिमाग में थोड़ी घुस जाता है,
हमेशा कहाँ आता है? माउथ में आता है। तो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी डक्ट से वो हमेशा माउथ में ही आएगा, और कहीं जाएगा क्या? तो मतलब क्या है कि इनमें हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे? अरे डक्ट, एक आई प्रेजेंट होगी ना, यहाँ पे डक्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है, डक्ट लेस। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं एंडोक्राइन। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन। और इसे क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। ठीक है, ये ब्लड के अंदर ही है डायरेक्ट, तो एंडोक्राइन, ये ब्लड के बाहर बाहर है, ये क्या है? एक्सोक्राइन। ठीक है क्या? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या सीक्रेट होते हैं? और एंडोक्राइन से क्या सीक्रेट होते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चल, तो एंडोक्राइन मतलब सिंपल से बात, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हॉर्मोन्स की, एंजाइम्स की नहीं। यहाँ पे डक्ट नहीं होगा। अब ये फिर से वही चीज की, दोनों केमिकल सिक्रीट कहाँ से? हमारे सिक्रीशन कौन करते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं जो भी सिक्रीट करते हैं? ग्लैंड्स, है ना? तो ये ग्लैंड्स ही बना रहे, है ना? इनके ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स से ही बनेगा। ठीक है, ये अपने हॉर्मोन्स बना के ब्लड में डाल देंगे। आगे देखते हैं कि बेसिक कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो सब मैंने आपको बताया था, बहुत सारे और वो होते हैं ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन मेन कौन ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी, जो कि हमारे दिमाग में है। ठीक है, तो समझ जाना ऐसे होता है। जाओगे आईस के बीच में, आईस के लेवल के पीछे, ये दोनों पॉइंट जहां पे मिलते होंगे अपने दिमाग में, वहीं पे पिट्यूटरी। ठीक है क्या? अब दिमाग हमने पढ़ाई है, अरे बेटा ब्रेन पढ़ा ना, कोर ब्रेन, है ना? ब्रेन में, तो कोर ब्रेन में हमने कैसा पढ़ा था कि साइड से ऐसा रहता है ना, ये कोर ऐसा है ना, यहां पे हमारी आईस है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों आईस के बीच में और पीछे, मतलब पिट्यूटरी लगभग यहाँ होगा कहीं पे। ठीक है, ओके, ये हमारा पार्ट सेरेब्रम हो गया। सेरेब्रम यहाँ पे क्या आ जाएंगे? कॉन्स और मेडुला, ये आ गया सेरेबेलम, है ना? और ये कॉन्स के ऊपर मिडब्रेन, और उसके आगे क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी ऊपर क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला, उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के भी ऊपर क्या होगा? हाइपो मतलब नीचे होता है या कम होता है, हाइपोथैलेमस के भी ऊपर थैलेमस, और थैलेमस के भी ऊपर क्या होगा बेटा? सेरेब्रम। अरे मिडब्रेन तो पीछे था ना, क्या नकली जॉब किया। हाँ, ये थैलेमस, यहाँ पे थैलेमस आ गया, और थैलेमस के ऊपर क्या? ये सेरेब्रम है ना, पूरा कोर ब्रेन, मिड ब्रेन का ये छोटा सा पार्ट है। ठीक है क्या? ओके, तो सबसे मेन जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? जैसे हमारे ब्रेन सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, वैसे ही पूरे, जैसे ब्रेन क्या नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम कौन है? एंडोक्राइन। तो उसका भी कोई मास्टर ऑर्गन होना चाहिए ना, वो कौन है? अब एक तो ये हो गया, दूसरा नीचे आते हैं तो और कौन सा ग्लैंड मिलेगा आपको? थायरॉइड। कहाँ पे मिलता है थायरॉइड? नेक। ये हमारा जो क्या, ये लैरिंग्स के ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर थायरॉइड कार्टिलेज है ना, आप टच करोगे तो फील होगी ना, ये थायरॉइड कार्टिलेज है। लैरिंग्स जस्ट इसके नीचे ही है ना, लैरिंग्स और एपिग्लॉटिस जो है इसके जस्ट नीचे है ना, इसी के साइड में होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? होते हैं, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली पेयर है ना, मतलब पेयर नहीं है वो, आधा इधर है आधा इधर। क्या ये
थायराइड ग्लैंड क्या है? अरे वो जो एड आता है ना, एड नहीं देखा है क्या? कौन सा? अब तो नहीं आता है शायद, पहले आता है कि वो आयोडीन युक्त नमक खाए, नहीं तो आपको क्या हो सकता है? गॉइटर हो सकता है ना, क्योंकि थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, जब आयोडीन नहीं मिलता है तो इस ग्लैंड में इंफ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है और ये सब खुल जाता है ना। हो सकता है आपने किसी को देखा थायराइड, ये क्या है? पिट्यूटरी। और कौन सा है आपको पता है? थायराइड के ही पीछे छोटे छोटे चार ग्लैंड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैरा थायराइड। क्या कहते हैं? पैरा थायराइड, है ना, थायराइड से ही उनका नाम आया पैरा थायराइड। थायराइड के पीछे चार ग्लैंड होते हैं। फिर कौन होता है? फिर नीचे उतरते हुए कौन मिलेगा? यहाँ पे है हमारे यहाँ हार्ट है, हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होता है ना, उसे हम कहते हैं थाइमस। क्या ये थाइमस सब में नहीं होता, मतलब होता सब में, ये एज के साथ साथ में ना धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है। एज के जब एज बढ़ती है तो धीरे 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 खत्म हो जाता है। जैसे मुझ में थाइमस उतना होगा नहीं, मतलब बहुत ही मिनिएचर सा होगा, ठीक है, और मुझसे भी कोई और बड़ा होगा उनमें, तो जनरली बच्चों में बड़ा होता है, ठीक है क्या? उसके बाद अरे हमारा फेवरेट इधर लीवर था और इधर क्या था? स्टमक तो बीच में है ना, इधर लीवर है, इधर क्या है? स्प्लीन। हाँ स्प्लीन तो है, और बीच में क्या है? पैनक्रियास। क्या है? पैनक्रियास। और आपको याद हो कि पैनक्रियास का एक बहुत छोटा सा पार्ट, मोस्टली पैनक्रियास क्या होता है? एक्सोक्राइन होता है, जो कि क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। 98% पैनक्रियास का पार्ट डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, बस 2% पैनक्रियास में से बस 2% उसका पार्ट क्या बनाता है? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पैनक्रियास, इंसुलिन। तो पैनक्रियास का, पैनक्रियास को भी आप मान सकते हो, लेकिन पूरा पैनक्रियास नहीं, उसका सिर्फ 2% पार्ट, ठीक है। इसके बाद कौन? हाँ जिसकी सबसे तब से बात कर रहे हैं, अरे किडनी नहीं, हर्षवर्धन किडनी नहीं, हाँ किडनी से भी एक हार्मोन बनता है एरिथ्रोपोइटिन, बट आपके लेवल पे नहीं। ये क्या है? एड्रिनल। क्या है ये? जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं, पैरासिंपेथेटिक और सिंपेथेटिक, क्यों? क्योंकि एड्रिनल से क्या रिलीज होता है? एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन, जो कि क्या वो कौन सिंपैथेटिक एक्टिविटी प्रमोट करेंगे या पैरासिंपैथेटिक? सिंपैथेटिक, ठीक है, ओके। चलो और कौन है? टेस्टिस। मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। इसके अलावा और भी कुछ छूट रहे थे? और भी कुछ दिए थे आपको? पैनक्रियास, थाइमस, हाँ बेटा इधर सुनो, एक और ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया थोड़ा आगे की तरफ होता है, पीनियल दिमाग में ही होता है। जैसे ये पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है, ये मिडब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला है, ठीक है। पीनियल करीब यहाँ पे होता है, मतलब मिडब्रेन का ही पार्ट मानते हैं हम उसे, तो थोड़ा सा पीछे होगा पिट्यूटरी आगे, थोड़ा पीछे और ऊपर कौन होगा? पीनियल। ये क्या है? पीनियल ग्लैंड, ठीक है क्या? चलो तो इतने ग्लैंड्स हैं टोटल, अब हम इनके फंक्शनिंग देख लेते हैं। ये फंक्शनिंग क्या है? तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग क्या है बात करी, ये क्या है? हाँ सिंपल बोल सकते हो, क्या ये मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मतलब क्या करेगा? कंट्रोल करेगा बाकी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शनिंग को। हमें थायराइड को ज्यादा काम करवाना है कि कम काम करवाना है? हमें एड्रिनल को ज्यादा काम करवाना है कि कम? हमें टेस्टिस को ज्यादा काम करवाना है कि कम? हमें पैनक्रियास को ज्यादा काम करवाना है कि कम करवाना है? ये कौन डिसाइड करेगा? और उसे भी इंफॉर्मेशन एक्चुअली कौन देता है? नहीं हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी के ऊपर कौन बैठा है?
ठीक है, लेकिन हमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड नहीं है, हाइपोथैलेमस न्यूरल स्ट्रक्चर है, नर्व से बना हुआ है, तो वो ब्रेन का पार्ट है, इसलिए उसे हम ग्लैंड नहीं बोलेंगे। भले ही वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है बट वो ग्लैंड नहीं है, इसीलिए हम मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को ही बोलते हैं, ना कि हाइपोथैलेमस को। वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है क्या? वो हॉर्मोन्स नहीं बनाता, ये हॉर्मोन्स। ओके चलो, मास्टर ग्लैंड थायराइड क्या बनाता है बेटा? थायरॉक्सिन, ये आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा आपके घर में, हो सकता है कई लोगों के घरों में अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, थायराइड की समस्या होती है ना। जनरली थायराइड कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जनरली हमारे आसपास जो समस्या होती है कम थायराइड, मतलब स्पेशली वुमेन्स में होती है कि थायराइड कम हो जाता है। थायराइड कम हो जाता है तो क्या होता है? देखिए थायराइड थायरॉक्सिन का काम है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी के जो एक्टिविटीज है उनका ऐसे तो मेटाबॉलिज्म को सिर्फ इतने से समझा जा सकता है कि एक रेस्टिंग स्टेट पे आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए ताकि वो बस जिंदा रह सके, उसे कोई काम नहीं करना है आपकी बॉडी को। मैं आपसे अगर पूछूं बेटा आपको मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए जिससे कि आप जिंदा रह सको, आपको कोई काम नहीं करना, उठना बैठना ये वो, इवन जागना भी नहीं, आपको सोना है, लेकिन आप जिंदा रहना चाहिए, ठीक है? हमें पता है कि जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, नहीं तो सेल्स अपना काम करेंगे कि कैसे बिना एनर्जी के। तो वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि आप बियरली जिंदा रह सको, वो ही क्या होती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं उसे, है ना? तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि आपके शरीर के फंक्शनिंग को बनाए रखना। अब कई लोगों में सिंपल सा एग्जांपल इससे ये समझ सकते हैं कि कई लोग क्या होते हैं बेटा, कम खाना भी खाते हैं फिर भी वो मोटे हो जाते हैं, और कई लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं फिर भी पतले ही रहते हैं, है ना? ये अलग अलग मेटाबॉलिज्म, जो कम खाना खा के भी मोटा हो जा रहा है उसका एक्चुअली मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, उल्टे हैंड पे क्या तो पीछे मुड़ जा रहा है भाई, क्या हो रहा? खाना खाने पे पतला रह रहा है क्या? उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है तो एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है, इसलिए बॉडी में स्टोर हो नहीं रही है फूड, जो खा रहे हैं एनर्जी में निकल जा रहा है तो वो पतला ही रह रहा है। तो ये दो अलग अलग मेटाबॉलिज्म का लगभग लगभग समझ रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम होता है थायरॉक्सिन का, थायरॉक्सिन का, ठीक है क्या सर? तो सिंपल सी बात है, कम थायरॉक्सिन होगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, जो कम खाना खा के भी मोटा हो जा रहा है। तो अक्सर जिन्हें थायराइड हाइपोथायराइड मतलब थायराइड जिसमें कम हो जाता है उनमें क्या ये क्या हो जाएगा? वेट गेन होगा। क्यों? क्योंकि एक्टिविटीज उनमें कम हो रही है या स्लो हो रही है। एक्टिविटीज कम होंगी स्लो होंगी तो आप खुद बताओ हार्ट रेट बढ़ा रहेगा उनमें या घटा रहेगा? घटा रहेगा। रेस्पिरेटरी रेट घटा रहेगा, ब्लड प्रेशर घटा रहेगा, उनके बॉडी का टेम्परेचर भी घटा रहेगा। इवन आप उनसे बात करने भी जाओगे ना तो बहुत चिड़चिड़े नहीं होंगे, एकदम शांत आपकी बात सुन ले, बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि दूसरे हैंड पे थायरॉक्सिन बढ़ गया तो मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है, तो वेट लॉस हो ही रहा है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट बढ़ रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, वो बहुत चिड़चिड़े हैं, आप बात करें तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं किसी भी बात पे, है ना? ये सभी चीज क्या हाँ, जब थायराइड मतलब थायरॉक्सिन बढ़ जाए तो ये थायरॉक्सिन का क्या काम हो गया? हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ओके पैराथायरॉइड का क्या काम होता है? तो पैराथायरॉइड पैरा पीटीएच बनाता है, पैराथायरॉइड हार्मोन, इसके नाम से ही है पैराथायरॉइड, इसके आगे हार्मोन लिख दूं ना, तो पैराथायरॉइड क्या बनाता है? पैराथायरॉइड हार्मोन बनाता है। पैराथायरॉइड हार्मोन का क्या काम होता है? पैराथायरॉइड हार्मोन स्पेशली हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखना रखता है। किसके लेवल को? कैल्शियम के लेवल को। अब कैल्शियम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमें एक अलग सा हार्मोन ही बनाना पड़ा। तो देखो कैल्शियम बहुत सारी जगह है, कहां पे कैल्शियम? बोन्स में है, टीथ में है, और कहां है? नाखून में, और हेयर में, और
ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और मसल कॉन्ट्रेक्शन में भी हेल्प करता है और नर्व कंडक्शन में भी हेल्प करता है। तो सोचो अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो आपके नर्व्स कंडक्ट नहीं करेंगे अच्छे से, दिमाग काम करना बंद भी कर सकता है, आप कोमा में जा सकते हो, मर भी सकते हो, मसल आपके ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपका क्या नहीं होगा, ब्लड कॉगुलेशन नहीं होगा। उल्टा कैल्शियम बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? कैल्शियम कैसा है? रिजिड। अरे कैल्शियम कहाँ पे इकट्ठा होता है? बोन्स में, टीथ में, नेल्स में, ये रिजिड स्ट्रक्चर है। तो कैल्शियम ज्यादा बढ़ जाएगा बॉडी में तो क्या होगा, खुद सोचो। कैल्शियम कहीं ना कहीं इकट्ठा होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग, तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, बोन का शेप चेंज हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और क्या हो सकता? और अरे किडनी स्टोन्स है ना आपके, बहुत जगह, सिर्फ किडनी में स्टोन्स नहीं बन सकते, बहुत जगह का स्टोन्स बन सकते हैं, गॉल ब्लैडर में बन सकते हैं स्टोन्स, इवन आपके सलाइवरी ग्लैंड में भी बन सकते हैं स्टोन्स, मतलब अलग अलग जगह क्या हो सकते हैं, कैसे में इकट्ठा होगा तो स्टोन बन जाएंगे। अरे हाँ क्या ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इसलिए हमें पैरा थायराइड हार्मोन रखना पड़ा कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन रखने के लिए। ठीक है चलो आगे बात करते हैं थाइमस की। तो थाइमस का अभी आपको बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं समझ में आएगा, लेकिन थाइमस टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल्स। अब ये टी सेल्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो जब मैंने ब्लड पढ़ाया था तो ब्लड में बताया था इरिथ्रोसाइट्स, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी में मैंने फिर दो चीजें बताई थी कि एक ग्रेन्युलर सेल्स होते हैं, एक ए ग्रेन्युलर सेल्स होते हैं। ए ग्रेन्युल्स मतलब जिनमें, जिनके सेल में हमें ग्रेन्युल्स नहीं मिलेंगे, उनमें फिर दो टाइप के और सेल्स बताए थे, टी सेल्स और बी सेल्स। बी सेल्स हमारे एंटीबॉडी फंक्शन, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, और टी सेल्स डायरेक्ट जाके लड़ते हैं। तो ये टी सेल्स का एक्चुअली मैच्यूरेशन थाइमस में होता है। ठीक है, तो आपको याद रहे तो भी अच्छा है, नहीं याद रहे। ये पैंक्रियास क्या बनाता है? इंसुलिन। क्या बनाता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का क्या काम है? जैसे पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन कर रहा था, ये ब्लड में ग्लूकोज को, ग्लूकोज ठीक है क्या? ओके, एड्रेनल का क्या काम है? क्या सिक्रीट करेगा ये? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन और नॉर एनओआर और फिर एड्रेनालिन। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे? सिंपैथेटिक एक्टिविटी है ना, सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपको पता ही है, SNS लिख रहा हूँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला। आप इसे 3F से याद रखना हमेशा, फियर फ्लाइट फाइट, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, ये इसका काम हो गया। ओवरी का काम क्या है? ओवरी और टेस्टिस क्या है? सेक्सुअल ऑर्गन्स है, मतलब ये सेक्स हॉर्मोन्स बनाएंगे। ओवरी फीमेल्स में प्रेजेंट है तो ये क्या बनाएगा, क्या होता है, कौन सा? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसमें सिक्रीट होंगे? फीमेल, ये फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं, जबकि टेस्टिस क्या सिक्रीट करेगा? मेल्स में होता है, तो मेल हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन, और मेल्स को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है? ये फीमेल्स में होता है, तो फीमेल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो रिड्यूस करना किसका काम होगा? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। इवन ओवम बनाना, ओवम बनाने में हेल्प करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करना, ये सभी किसका काम होगा? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का क्या काम होगा? सेम काम यही है, टेस्टोस्टेरॉन स्पर्म्स बनाएंगे। स्पर्म्स वो हम पता है कि क्या? ये गैमेट्स हैं। गैमेट पता है? क्या होते हैं गैमेट? हैप्लॉइड्स हैं। हाँ, हैप्लॉइड्स हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, है ना? ये आवाज गहरी हो जाना, दाढ़ी आना, है ना? ब्रॉड शोल्डर्स होना, ये सभी क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स।
तो ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से है ना, डीप वॉइस होना, नैरो शोल्डर्स होना, वाइड हिप्स होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल इन गर्ल्स है। तो ये किसकी वजह से डेवलप होगा? इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। अब ऐसा मत समझना कि बॉयज में या मेल में इस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन होता ही नहीं है, हमें भी इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है बट रिलेटिवली कम। और ऐसा नहीं कि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन ही होता है, फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है लेकिन रिलेटिवली कम। ठीक है क्या? उनका बैलेंस बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके सभी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ, पीनियल एक्चुअली पीनियल क्या करता है, पीनियल ग्लैंड एक्चुअली मेलाटोनिन बनाता है। मेलाटोनिन, कंफ्यूज मत होना मेलानिन से। मेलानिन याद है क्या? क्या हमारे स्किन का पिगमेंट जो कि हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड, अरे कल ही तो बात कर रहे थे, वो मेलानिन है। क्या है वो? मेलानिन। इवन जो बहुत सारी हमारे वो क्रीम व्रीम लगाते हैं ना जिससे गोरे होने, बोलते हैं कि गोरे हो जाओगे, वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो टेम्पररी आपके मेलानिन प्रोडक्शन को, कई क्रीम सभी नहीं, कुछ क्रीम्स आपके टेम्पररी नॉट परमानेंट, क्योंकि मेलानिन बनना नहीं बनना डिपेंड्स ऑन योर जीन्स जो कि आपके प्रेजेंट है डीएनए में, जो कि आपके हर सेल में है। तो वो तो कम नहीं, वो हमेशा के लिए बन नहीं कर सकते, टेम्पररी कई क्रीम्स मेलानिन, सभी क्रीम्स नहीं, चेक समझिए, कुछ क्रीम्स मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, कुछ क्रीम है ना टेम्पररी। तो मेलानिन क्या है? स्किन पिगमेंटेशन। पीनियल क्या बनाता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? सर्कैडियन रिदम मेंटेन करता है। अब ये क्या होता है सर्कैडियन रिदम, पता है क्या किसी को? ना, वो तो कार्डियक, हार्ट को तो कार्डियक बोलते हैं, सर्कैडियन। सर्कैडियन रिदम मतलब कुछ नहीं, सुबह शाम के रिदम, रिदम को सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। अब ये सुबह शाम का रिदम क्या है? जैसे कि हमें पता है कि रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा तो हमें सोना है, और खुद ही नींद आने लगती, जब सनलाइट आती तो खुद ही उठ भी जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बॉडी की ऐसी फंक्शंस हैं जो कि हमारे टाइम से वो रेगुलेटेड होते हैं। सुबह होगी तो आपको फ्रेश होने जाना ही है, वो आपके सर्कैडियन रिदम में आते हैं। ठीक है, आपको आप दिन का जब टाइम हो रहा है तो आपको खुद ही भूख लगेगी, आपको रात में कभी ऐसे 2 बजे उठ के भूख नहीं लगती होगी, क्योंकि आपके सर्कैडियन रिदम में फिक्स नहीं। ठीक है, ये सर्कैडियन रिदम बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए भी है, बॉडी का हर एक ऑर्गन ना दिन के टाइम के हिसाब से काम करता है। इसीलिए जब लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, लॉन्ग जर्नी मतलब आप ट्रेन से या फ्लाइट, स्पेशली फ्लाइट से जब जाते हैं, और फ्लाइट्स अगर लंबी हैं है ना, तो और फ्लाइट लंबी मतलब 12 घंटे 16 घंटे की लेट्स फ्लाइट्स हैं आपकी, और आप हम उस पर बैठे हो, आपका दिन और रात नहीं समझ में आ रहा है फ्लाइट पे, तो क्या होता है, बॉडी कई बार कंफ्यूज हो जाती है और आपका थोड़ा सा रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप जब अगले दिन आओगे, भले ही फ्लाइट पे आप सोए होगे या ट्रेन पे आप सोए होगे, लेकिन फिर भी जब आप घर आते हो, पहुंचते हो, तो आप फ्रेश फील करते हो क्या जैसे नॉर्मली सो के उठते हैं? तो नहीं, क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सर्कैडियन रिदम मतलब डिसअरेंज हो गया, उसे जेट लैग बोलते हैं। ठीक है, अरे हाँ ठीक है, तो सर्कैडियन रिदम कौन मेंटेन करेगा? पीनियल। किससे? मेलाटोनिन। ठीक है, तो ये सभी बेसिक ओवरलुक समझ में आया, आपको बनाना है फोटो तो बना लो। पिट्यूटरी ग्लैंड ना मास्टर ग्लैंड और है, तो ये बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ना, जैसे मैंने तो बाकी सबके लगभग एक एक हॉर्मोन लिखे हैं बाकी सभी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने हॉर्मोन भी लिखा। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाता है, जिसमें से एक है ग्रोथ हॉर्मोन, GH लिख रहा हूँ, ग्रोथ हॉर्मोन। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्लैंड वो हॉर्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है? सिंपल सबसे नाम से ही काम, क्या ग्रोथ क्या करवाएगा? क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा। क्या बोल रहे हो? तो बोन्स की स्पेशली ग्रोथ करवाएगा, है ना? तो ग्रोथ हार्मोन बच्चे में होना चाहिए ना, ज्यादा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ग्रोथ नहीं होगी तो हाइट कम हो जाएगी, और उल्टा अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा है, तो 7 फीट 8 फीट 8.5 फीट के जो लोग दिखते हैं वो अक्सर उनमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस बनने लग जाता है, उसे जाइजेंटिज्म बोलते हैं।
जायंट किसे बोलते हैं? जायंट मतलब जो विशाल है ना, राक्षस को भी कई बार जायंट बोलते हैं, तो विशाल तो वैसा हो गया तो उसे जायंटिज्म बोलते हैं, और बेटा ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइट छोटी रह जाएगी, ठीक है क्या? जैसे कि खली को देखा है आपने, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, चलो उसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसते हैं। आओ यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा, इसका काम क्या है, स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, और थायराइड से क्या वो रिलीज होगा बताओ जल्दी से, थायरॉक्सिन, इसका काम क्या है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म और बॉडी ग्रोथ, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पैंक्रियास से, काम क्या है उनका, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, टेस्टिस से, काम क्या है इसका, स्पर्म्स मैच्युरेशन में और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में, ठीक है क्या, और ओवरी से क्या रिलीज होंगे, हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं हम, ओवम, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओवम हॉर्मोन है क्या, ओवम सेल है ना बेटा, तो ये क्या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या काम है उनका, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एड्रेनालिन, एड्रेनल क्या काम है इनका, सिंपैथेटिक एक्टिविटी मेंटेन करना, रिलीजिंग हॉर्मोन्स, हाँ देखो लास्ट वाला यहाँ लिखा है रिलीजिंग हॉर्मोन्स, ये कौन सा हॉर्मोन और ये कहाँ से सिक्रीट होता है, पर इसका काम है स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हॉर्मोन्स, ये क्या है, ये